हैप्पी हैप्पी दीदी हैप्पी हैप्पी। देश मेरे लिए क्या लिख रहा है आप मेरे लिए गिफ्ट थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन हु एवर हैज परचेस्ड हु एवर हैज लाइक हु एवर हैज शेयर्ड मेरे लिए सब एक बराबर। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। और गाइस फाइनली 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 सरप्राइज लाइव होने के बाद अजल लैना द ज्वेलरी ब्रांड के हमारी द वन द ओनली ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद द थिंग इज सोल्ड आउट गाइज सच में। और इस चीज से हम सभी लोग बहुत 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 हैप्पी है, बहुत ज्यादा खुश है। मतलब क्या ही कहने आप सभी जनता के। मतलब गाइज आप लोग मतलब इतना प्यार करते हो आयुष और अलीजे को, इतना सपोर्ट करते हो, मतलब आंख मूंद कर भरोसा करते हो उन पे। एंड इसको कहते हैं गाइज एक्चुअल कमाई, सच्ची कमाई ये है। लोग तो मतलब नाम शोहरत पैसा तो कमाती है, लेकिन एक्चुअल कमाई इसको बोला जाता है। मतलब लोग इतना भरोसा करते हैं और हमको बताए द थिंग इज वेरी 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 एक्सपेंसिव, बट लोग इतना प्यार करते हैं, मतलब उस चीज़ को भी जाकर झट से खरीद लिया भाई। मतलब उस चीज़ को भी खरीद रहे हैं एंड द थिंग इज सोल्ड आउट जिया गाइज। और बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। और हम सब ने वीडियो में बोला था कि खरीदना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ बहुत महंगी है। अगर आप लोग अफोर्ड करते हो तभी खरीदना, ठीक है। आयुष फैमिली है, हम सब एक हैं, सो हम लोग बिलोंग करते हैं फैमिली से। सो आयुष और अलीजे की हर सक्सेस हमारी सक्सेस, मतलब भगवान उनको और भी तरक्की दे, मतलब ऊपर वाला उनको और भी नाम और भी शोहरत दे और भी वो अपने लाइफ में आगे बढ़े, सभी ड्रीम्स पूरा करे। यही हम लोग का ख्वाहिश है ना, यही हम लोग ऊपर वाले से ब्लेसिंग कर विश मांगते हैं। सो है ही। और आयुषे का जो प्रोजेक्ट था, इसके वजह से हम लोग ये सोच रहे थे कि लोग इतना भरोसा करते, तो हमको भरोसा था कि लोग मतलब सारा कुछ खरीद ही लेंगे, मतलब खरीदेंगे ही लोग, ये तो हम लोग को बिलीव था। अगर आप लोगों ने खरीदा और आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आप खरीदो, आपका वेलकम है। और खासकर मैरिड लोगों के लिए मंगलसूत्र होता है, उसकी अहमियत हिंदू कल्चर में आप लोगों को पता ही है मंगलसूत्र का अहमियत क्या होता है। सो दैट्स फॉर मैरिड लोग खास करके। अगर अनमैरिड भी खरीदते हैं जिस तरीके से डिजाइन किया गया है वो काफ़ी बेहतर लगता है, ठीक है। बट दोस्तों आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इसकी वजह से सभी लोग बहुत खुश हैं। और आयुष भाई ने अलीजे को इसके वजह से मतलब एक गिफ्ट करा है और एक व्लॉग अभी आया है, ठीक है। थोड़ा सा ये वीडियो लेट में शूट कर रहा हूँ, सो चलो उस ब्लॉग को देते हैं कि आखिर आयुष ने अलीजे को क्या गिफ्ट दिया और सभी कितने खुश से। लेट्स गो। Assalamualaikum everyone and welcome to another brand new vlog. कैसे हैं आप सब, किसी तबीयत है? बहुत बहुत। आज है स्पेशल डे, आज हमारा जो मंगलसूत्र है वो जो है लॉन्च हो जाएगा। एंड वही बात है जो मैंने छुपाई हुई थी। सो द नेम ऑफ द मंगलसूत्र इज आयुषे एक्स फूल कुमारी। आयुषे एक्स फूल कुमारी। सो आई एम रियली 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 एक्साइटेड बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो ये नेम किसी ने सोचा होगा। सो जब दीदी ये प्रपोजल लेकर आई थी ना, सो शी टोल्ड मी दैट इट्स ऑल अबाउट फ्लावर्स एंड आई हैव सीन आयुष कॉल्स यू फूल कुमारी, सो आई थिंक यू विल बी परफेक्ट फॉर दिस। सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, लाइक अ वुमन हु इज अ एंटरप्रेन्योर and she runs a business internationally, she watches our life too, this is such a big achievement. So I was like oh my yeah, god guys, agar unko itna deep mein pata hai, such a big so achievement, so let's do it. This is literally huge achievement. Hamari baat cheet hui thi aur aap logo ki phool kumari jo hai phool kumari se phool kumari ambassador ban gayi, so this is how it maine bulai tha bahut sare video mein. So abhi I think didi aa rahi hai because humne post karna hai, so like she's coming to discuss everything and then maybe relate karke guys har cheez. और कल के लिए भी हम लोगों ने डिसाइड करना है बिकॉज वी आर प्लानिंग टू डू अ स्मॉल ऑफिशियल साइनिंग सेरेमनी, लाइक द कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी। सो यप, आई थिंक शी इज हेयर बट आई हैव नो आइडिया। मेरा नाश्ता आ गया, मैं नाश्ता करती हूँ। आयुष जो है पता नहीं कहाँ है। हाँ, आयुष ने मुझे कॉल करके उठाया था, ही बी लाइक मैं बाहर हूँ एंड प्लीज उठ जाओ बिकॉज दीदी विल कम। एक्चुअली शी विल फ्लाई सून बिकॉज उनको हांगकॉन्ग जाना है, तो आई थिंक शी इज गोइंग आफ्टर टू थ्री डेज। सो ऑफकोर्स फैमिली को भी टाइम देना होता है, या वर्क इज वर्क बट फैमिली को भी टाइम देना होता है। पता नहीं वो कितने टाइम बाद नेपाल आई है, सो या इट्स अ बिग थिंग कि वो हमारे लिए आई है। सो या इंसान कितना काम होता है उसको, तो लेट्स गो। खाना खाते हैं, मतलब नाश्ता करते हैं, कुछ भी नहीं खाया अभी तक, नाश्ता करते हैं एंड देन वो आ जाएंगी दीदी, बिकॉज उन्होंने मुझे कहा कि 10-15 मिनट लगेंगे, तो यस शी विल कम। तब से मुझे कॉल की थी तो आयुष ने मुझे जो है कहा कि
तुमने जो नाश्ता है ना वो अच्छा करना है, मैं पहले ही बता दूँ. तो आई वॉज लाइक, अरे भाई मुझसे हैवी नाश्ता नहीं होता है आयुष. तो ही बी लाइक, नहीं नहीं हैवी नाश्ता तो करना पड़ेगा. तो मैंने फिर ब्रेड, अंडा और चाय मंगवाई है ताकि हैवी हो जाए. सही है. तो ये रहा ब्रेड, अंडा एंड मतलब ऑमलेट, ये और चाय. सो आई थिंक कि मैं जब खाना स्टार्ट करूँगी दीदी आ जाएंगी. सो लेट्स सी, अगर वो आ गई तो कोई बात नहीं, शी कैन जॉइन टू. सो या पूरे रूम तो बिल्कुल ठीक कर दिया था. ठीक है, पता है लिटरली इतना अकेला अकेला लग रहा है ना नाश्ता वगैरह करना. जब लड़कियों की शादी हो जाती है, हाउ यू ऑल मैनेज यार. मतलब चलो जो जॉइंट फैमिलीज होती होंगी उनका तो चलो वो ज़्यादा होगा, बट वॉट अबाउट जो दो मियाँ बीवी अकेले रहते हैं. लाइक मियाँ तो चला जाएगा काम पे, फिर सारा दिन घर पे क्या करते होंगे यार. दैट्स वाई आई थिंक यू शुड बी लाइक इंडिपेंडेंट और डूइंग समथिंग टू सपोर्ट योर हस्बैंड और यू नो टू सपोर्ट योर फैमिली. माई माइंड सेट इज आदमी पे नहीं डालना चाहिए. मैंस आर प्रोवाइडर्स बट यू नो हर एक चीज़ ऐसी नहीं रहती, समटाइम्स इट कम्स डाउन एज वेल. सो एट दैट पॉइंट आपके शौहर को कहीं और से मतलब पैसे लेने की जरूरत ना पड़े, यू जस्ट गिव हिम. बिकॉज आई नो कि जो मर्द होते हैं वो बड़े ही होते हैं कि भाई अपनी बीवी से पैसे नहीं लेंगे. वो यू कैन सेव एंड वेन एवर ही नीड्स इट यू कैन जस्ट गिव इट बिकॉज इट्स हिज मनी इज योर मनी. Your money is your money, but when the problems come, your money. समझ रहे हो? So yeah, shopping को थोड़ा सा. मजाक नहीं करी, literally बहुत समझदार है लीजिए. अल्लाह, पता नहीं पहले लोगों की चाय इतनी अच्छी होती थी, लेकिन I don't know कि एकदम से इनकी चाय, but अच्छी है, सही है. But first जब मैं आई थी ना, oh my god, क्या चाय होती थी, क्या बात होती थी. But it's fine. आज मेरा वाइट कलर का ड्रेस है. I really don't want to ruin it. So ये रही हमारी चाय, गरम गरम. चाय के बिना तो मेरा जो है मतलब मॉर्निंग ही नहीं होती. I really hope कि मतलब मुझे पता है कि मेरी जो फैमिली है आई से उनमें से भी बहुत सारे लोगों को पसंद होगी चाय. How is this possible? So I don't. मेरा भी सुबह चाय से होता है guys. Sugar in chai or anything because ऐसी तो चाहिए जो, आदत जो मुझे जानते हैं जो मेरे साथ रहते हैं उनको पता होगा. अगर वो ये देख रहे हैं था ना, तब से ये आदत हुई है. और चीनी सच में बहुत वो होती है, तो चीनी को अवॉइड क्या करो, बहुत जल्दी वजन कम होगा. आज मैंने अपनी ड्रिंक भी बनवानी है यार, दो दिन हो गए नागा हो गया मेरी ड्रिंक का, वरना अदरवाइज मॉम होती थी तो मॉम फटाफट बना देती थी. यहाँ पे चूल्हा भी नहीं है ना. हाउ आई विल लाइक यू नो, सो मैं आयशा घर जाऊँगी एंड आई विल मेक इट. कर लिया है मस्त एंड दीदी इज हेयर. सो शी इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई रूम. अभी घर तो है नहीं तो इन माई रूम. सो आई जस्ट स्टैंड हेयर टू वेलकम हर. ठीक है, सो आई जस्ट स्टे हेयर टू वेलकम हर. आई डोंट नो उनको वो टुकटुकी का पता था कि नहीं पता था, बिकॉज मोस्टली लोगों को टुकटुकी का इधर पता नहीं होता यार. वो खुद चल कर आ रही होंगी आई बिलीव. और अभी जो है टाइम हो रहा है टू मेक इट ऑफिशियल. आई थिंक अभी बज रहे हैं 11:40. सो वी नीड टू मेक इट ऑफिशियल लाइक 12:15 तक, समथिंग लाइक दिस. सो आह, किधर रह गए हो मेरी दीदी. आई थिंक आज भी जो है ना मस्त बारिश होगी. आई थिंक शी इज हियर. आई थिंक हेलो नमस्ते नमस्ते दीदी. सो यार प्लीज यार कम दीदी. व्हाई यू डिडंट टुक टुक टुकी? हां टुक टुकी क्यों नहीं ली? जस्ट आई लाइक वॉकिंग. ओह तभी तो इस तो फिट होता भाई. आई लव वॉकिंग, सो व्हेनेवर आई गेट द चांस आई विल वॉक. वाओ, सो दीदी आर यू एक्साइटेड? सुपर एक्साइटेड. रियली? ओह माय गॉड. Oh my god. अभी घर तो है नहीं, कम इन माय रूम. दिस इज घर अभी के लिए. सो या
Gaurav Dai nahi aaye? You alone? No, because Gaurav Dai is there for initial some work. Oh my god. The editing mein instructions karna hai. So we have to make it live na abhi? Yes. 11:49 ho rahe. So let's it is working here. So let's see. Hi, Shukla. Yeah, he's coming. The car is there. Charge it up. Give it up. So I'm here alone. I'm ready. रही पिक्चर है ठीक है. सो हियर वी आर. नो आई एम एक्साइटेड वी आर नर्वस वी. और अभी तक आयुष नहीं आया था सबसे. वेयर इज माय सपोर्ट सिस्टम. ही इज कमिंग. में भी जाम दीदी जाम था. हां थोड़ा अच्छा है. तो पक्का ट्रैफिक मिलेगा. जब तक आप के ब्लॉग देखोगे तब तक तो आ चुका होगा. तब तक तो और चीज़ें भी अपने काम में स्टार्ट हो जाएंगी. जिस दिन आप लोग ये ब्लॉग देखोगे उस दिन हमारी सेरेमनी है ना दीदी. यस उस दिन हमारी सेरेमनी है. सो बहुत सारी चीज़ें. I use a janta. Oh my god, we are just you know editing the captions and we are almost done. Wishing us all the best. Done. Yes, done. Oh wow, mashallah. Okay, so it will come now. Really, look. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim and I'll accept it. Bismillah. Yes, Didi. Done. Oh my god. You think how are you? अरे मैं तो इंग्लिश ही भूल गई. Oh my god guys. Oh my god, she's so happy. happy didi, happy. दीदी को देखो यार, मतलब उनका रिएक्शन देख के मजा आ गया. Yes, दीदी. Done. अब एक और ग्रिड रह गई है एंड देन उसके बाद इट्स ऑफिशियली डन. एंड देन एंड वी हैव द फॉलोइंग. सो टुडे इज द फर्स्ट लुक ही. अभी फर्स्ट लुक ही रिवील हुआ है. एंड देन जब आफ्टर लाइक 2 hours we will post the reel. And then kal to oh bawal didi green wala look to oh my god amazing. Oh my god, like a star. full on. The other one maine to dekh liya hai sach mein bhai. Actress bhi fail hai, matlab bawal. Super bahut beautiful usme dikh rahi hai niche. बहुत अच्छी दिख रही है. पोस्ट लाइक ये लिंक का जो पेज का लिंक है ना वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी. ओके ओके. तो यार अभी जैसे आ रहा है तीज चल रहा है, खुद को भी गिफ्ट करो, अपने अपने हस्बैंड्स को भी बोलो. एंड लेटर वी विल सी. वी हैव सम वेरी एक्साइटिंग ऑफ कोर्स. यस. और अभी और भी चीजें आनी बाकी हैं. अभी और बहुत सारी चीजें आनी है. सो टुडे टुमारो आफ्टर तक सब कुछ रिवील हो जाएगा ना. सब कुछ लाइक इन 3-2 days सब रिवील हो जाएगा. It is working on this and then it's officially done. हमने तो वैसे सारा कुछ देख ही लिया है गाइस. और लिटरली वो जो ग्रीन वाला ड्रेस वाला रील था और पोस्ट था, लिटरली उसमें बहुत 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 अच्छी तरीके से मतलब उस रील को देखने में लगता है और दर्शाया गया है हर कुछ. और लीजिए लिटरली गाइस, सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल उसमें दिख रही है. मतलब बहुत प्यारी दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है. थोड़ा सा गिफ्ट मेरी तरफ से. अच्छा यही गिफ्ट था. देखो इसमें कुछ क्या है वो आप लोग को पता चल जाएगा थोड़ी देर में. और इधर थोड़ी सी रोज़ वोज की भी पैकिंग करूँगा मैं. रोज़ वोज भी हो रही है तो ये मोटी अनबॉक्सिंग करेंगे जब, तो आप लोग को तब पता चलेगी. ठीक है तो चलो गाइस, मेरी अभी कॉल आ रही है तो मैं कॉल रिसीव करके शायद मैं कंटिन्यू ना करूँ. पर ये आप लोग को बस ये दिखा रहा था तो ये क्लिप मैं मोटू की दूंगा. तो चाहिए तो नहीं चाहिए तो कोई नहीं, मेरे लिए एक मेमोरी हो जाएगी है ना. दिल्ली तो मिला दिन पर मेन नानी एकदम ब्यूटीफुल प्रेजेंट गिफ्ट था. तो आप लोग को पता चल जाएगा कि जब मोटू अपने ब्लॉग में डालेगी तो. ओके लेट्स गो. आयुष मेरे लिए क्या लिख रहा है आप मेरे लिए? इतनी
क्या है? आपको पता है अभी एकदम से दाल है और 4000 लाइक्स आ गए, 500 कमेंट्स भी आ गए। गिफ्ट कैसी होती है? खुला खुला होती है, बस एक छोटी सी है मिंटू, बस मेमोरीज के लिए। छोटी सी मेरे लिए तो आप लेकर आए तो बड़ी है। कितना ऐसे बस बाहर से बड़ी है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। कैसे खोलो? टिप निकालो, इतनी लंबी लंबी नाखून है, नाखून तो इस्तेमाल कर दो कभी। अब अच्छा लगे ना फुल कुमारी को, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच जान, ये आप, ये मैं हूँ। ये मोहित पसंद है ना? यस यस, तो ये रखो। थैंक यू सो मच जान, बहुत थैंक यू। अच्छी है ना? बहुत खूबसूरत है। अब मैं यार जल्दी जल्दबाजी में आया इधर उधर, तो ये गिफ्ट फसल में गया है कि तो इधर से लेके आया। फ्लावर्स भी बहुत प्यारे, फ्लावर्स यार रोज लेने वाला था पर रोज सब बिगड़ी हुई थी यार, तो मैंने ये लिया। गर्मी है ना, सही है। चलो डन, हैप्पी कांग्रेट्स, थैंक यू, डन एंड शिट। चल मुड़ो, आई मीन तो हम लोग घर से निकल चुके हैं एंड वी आर गोइंग फॉर अ मीटिंग, हमें कुछ काम वगैरह है एंड देन उसके बाद शायद हम जो है बिनामा से मिलने जाएंगे, खाना खाएंगे उनके साथ। सो या इट वेंट लाइव एंड मुझे आप लोगों के साथ जो है एक चीज़ शेयर करनी है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन एंड देन आई विल लेट यू ऑल नो। सो आज बहुत ज़्यादा धूप है यार, मुझे दुबई की याद आ गई। सूरज को देख के मुझे दुबई की याद आ गई। सो आज गर्मी लग रही है लेकिन ये शाम तक जो है फिर बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इट्स अ प्रिटी ट्रैफिक थिंगी, लेकिन ओके लेट्स सी टाइम 1:41 हो रहे हैं अभी। तो क्या गोइंग टू ईट समथिंग बिकॉज हम लोगों ने मतलब इतना कुछ खास खाना नहीं खाया हुआ है। आयुष भी सुबह से बेचारा भूखा हुआ है, मैं तो चलो फिर नाश्ता किया लेकिन इससे नहीं किया है। सो वी ऑल आर टुगेदर और फिर हमारी 4 बजे एक और मीटिंग है, 4 बजे ना, 4 o'clock वी हैव अ मीटिंग टू। हमारी थाली आ गई है, ठीक है, मस्त सब हम खाना खाएंगे। और ये आयुष ने तो ख़त्म कर दिया है कि मैंने नहीं, ठीक है, बिकॉज मुझे ना लस्सी पीनी थी लेकिन ये पता नहीं क्या है, इसलिए मैं ये ठीका खाती हूँ। ये मैं एक निकाली थी, दीदी बोलती है अरे ये बहुत ठीकी होती है, तो मैंने बोला मैं यही खाती हूँ, कभी कभी तो इसको तल के भी खा रही होती हूँ। दीदी जब मतलब मैं और आयुष न्यू आते थे ना, तो मैंने ये डेयर दिया था ये खाना, इसकी तो सांस ही रुकी थी तारीख, तब उसने बोला था खाना तो पता लगेगा। चलो गाइस अब हम खाना खाते हैं उसके बाद निकलेंगे। वेरी गुड न्यूज, हमारा जो मंगलसूत्र था उसका एक पीस जो है किसी ने वॉकिंग में खरीदा है, वो पोस्ट मैंने वीडियो ऑलरेडी कर ली थी, मुझे मिली तो मैं यहाँ पे भी लगा दूंगी एंड आई एम सो ग्लैड। सो इसमें से मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ चाय चाय पीऊंगी। दीदी मुझे नेट दी दो ना। कांग्रेचुलेशंस दाता जी को लागि सर, वहाँ चाहिँ वहाँको वाइफ लाई लिन आउनु भएको दाता जी इज आवर फर्स्ट कस्टमर फिजिकली, हाम्रो नयाँ मङ्गलसूत्र 5.0 आइजे इन्टु फुलकुमारीको बगैँचा कलेक्सनबाट चाहिँ
फर्स्ट कस्टमर कुदेर आएर युकेमा हुनुहुन्छ है दर्ताजी. दर्ताजी युकेमा हुनुहुन्छ अनि उहाँको हस्बेन्डले चाहिँ कस्तो माया गरेर लिन आइदिनु भयो. कंग्रेचुलेशंस. I'm downloading because I will post this on my क्या बोलते हैं TikTok. और अभी टाइम हो रहा है 4:02, सो अभी पोस्ट लग जाएगा उस पर क्या बोलते हैं सीरीज पे. I'm just doing it. आयुष यहाँ बैठा है. अच्छा आयुष भी चाय पी रही है. देखो जान जान इतना खा के फिर चाय कैसे हजम होती है. तो जो है हम यहाँ पे कुछ काम करें एंड यू नो व्हाट हैपेंड लाइक लुक मेरी नाक से ना बड़ा खून आ रहा था. फिर मैंने इस तरीके से किया है. अभी आना बंद हो गया लेकिन पहले आ रहा था. अभी मैंने ऐसे रखा हुआ था कि आए नहीं. ठीक गाइस, तो आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल मतलब रात हो गई है और ना मतलब हमारी मीटिंग दो मीटिंग्स हमारी इसी जगह पर हुई है. और वो क्या हुई है क्यों हुई है वो आप लोगों को बाद में पता लगेगा. अभी नहीं, उसका मैंने BTS अच्छे से बनाया है. लाइक यू विल गेट टू नो इट आफ्टर सम टाइम. सो लोग रात हो चुकी है एंड अभी हम लोग सो हम विमलामा के घर पर हैं. तो आई डोंट शो देम बिकॉज दे आर लिटिल यू नो बहुत क्लोज है हम उनके साथ. सो आई जस्ट डोंट वांट टू शो देम और यूज देम फॉर माय व्लॉग. ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई रियली होप कि आपको ओके सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ इस मंगलसूत्र के बारे में. ये मतलब उस वेबसाइट का लिंक मैं अपने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ. आप लोग जाके चेकआउट कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, परचेज करना अगर एफोर्ड कर सकते हो तो. बाकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है नहीं. और यहाँ पर देखो अर्ली बर्ड्स ऑफर यहाँ पे चल रहे हैं अभी. 50% डिस्काउंट स्पेशल केन लक्ष्मी सिल्वर कॉइन कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट स्पेशल आयुजे एक्स फुल कुमारी बगीचा कार्ड साइन बाय अलीजे. अलीजे का वो कार्ड पे साइन होगा उस वाले सिग्नेचर पे. मतलब फ्री शिपिंग ऑन इंटरनेशनल ऑर्डर अबाउ 1000, मतलब $1000 से ऊपर की जो भी वो परचेज होगी वो इंटरनेशनल शिपिंग फ्री होगी बिल्कुल. सो ये सारा कुछ ऑफर चल रहा है. सो दैट्स इट. आई होप आप सबको आज का वीडियो पसंद आया. पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. दोस्तों मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में. और भी बहुत मस्त मस्त वीडियो आने वाला है तो सब्सक्राइब करके रखना. ठीक है, बाय.